साथियों, मिर्च हम सब खाते हैं। अगर खाने में मिर्च ना हो तो खाना अच्छा ही नहीं लगता, और ज़्यादातर लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद है। ऐसे लोगों को खाने में मिर्च मसाला तेज़ हो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मिलावटखोर अब इसी मिर्च के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को बेस्वाद बना रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से मिर्च का मज़ा छीनना चाह रहे हैं। मिलावटखोर मिर्च के नाम पर आपको नकली मिर्च खिला रहे हैं। क्या आप घर में जो मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है? कहीं आप नकली मिर्च तो नहीं खा रहे? कहीं रोज़ाना नकली मिर्च का सेवन आपको बीमार तो नहीं कर रहा? मिर्च का सेवन क्यों ज़रूरी है? नकली मिर्च खाने से क्या होता है? और मिलावटी मिर्च को लोग अक्सर क्यों नहीं पहचान पाते? और सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि असली और नकली मिर्च की पहचान कैसे करें? नकली मिर्च में मिलावट के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? साथियों, आज इस रिपोर्ट में हम आपके सामने असली और मिलावटी मिर्च का पूरा विश्लेषण देंगे। ये रिपोर्ट देखने के बाद हमारा दावा है कि ज़िंदगी में कोई कितना ही मिलावटखोर क्यों ना हो, आपको मिलावटी मिर्च नहीं खिला पाएगा, क्योंकि मिर्च हमारे, आपके, हम सबके घर में इस्तेमाल होता है। इसलिए इस रिपोर्ट को आज शुरू से लेकर अंत तक देखना सभी के लिए ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाल मिर्च के पाउडर में आखिर किन चीज़ों की मिलावट की जाती है। लाल मिर्च पाउडर के ज़रिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कई व्यापारी इसमें जमकर मिलावट तो नहीं करते। आमतौर पर इस मामले में कई चीज़ों को मिलाया जाता है। लाल मिर्च में मिलाई जाने वाली चीज़ें आर्टिफिशियल कलर, ईंट का चूरा, पुरानी और ख़राब मिर्च, चौक पाउडर, चौकर, साबुन, लाल रेत। साथ ही मिलावट के ज़रिए लाल मिर्च पाउडर को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की जाती है। इन चीज़ों को मिलाकर लाल मिर्च पाउडर की कमी छिपाने की कोशिश की जाती है, खासकर आर्टिफिशियल रंगों के इस्तेमाल से। इस मसाले को दिखने में आकर्षक बनाया जाता है ताकि बाज़ार में लोग इसे देखकर तुरंत खरीद लें। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FSSAI ने भी लाल मिर्च पाउडर को लेकर लोगों को जागरूक किया है। मिलावटी लाल मिर्च की पहचान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने समय समय पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है ताकि नकली मसाले के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर ना पड़े। और सबसे ज़रूरी, अब हम आपको बताते हैं कि असली और नकली मिर्च पाउडर की पहचान कैसे होती है। इस तरह करें असली और नकली की पहचान। इसके लिए आप एक गिलास में पानी लें, फिर उसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला दें। पानी के ज़रिए लाल मिर्च के अवशेषों की जांच करें। इसे हाथों पर मलें, और अगर आपको त्वचा पर खुरदापन महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें ईंट का पाउडर मिलाया गया है। अगर आपके हाथों में ये पाउडर साबुन जैसा चिकना लगे तो समझ लीजिए कि इसमें साबुन के अंश मिले हुए हैं। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि मिलावटी लाल मिर्च खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। मिलावटी लाल मिर्च खाने से पेट में जलन, पेट में दर्द, कब्ज़ और गैस जैसी समस्या हो सकती। इसके अलावा आंतों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मिलावटी लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक पदार्थ होता है जो अल्सर के खतरे को बढ़ाता है। इस तरह की मिर्च को सेवन करने के लिए स्किन एलर्जी और संक्रमण का खतरा रहता है। मिलावटी लाल मिर्च का सेवन गले को खराब कर सकता है, इसकी वजह से गले का इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथियों, अगर आप भी नकली लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको नकली और असली मिर्च पाउडर की पहचान होनी चाहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।